मुरलीगंज के सोनी मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से दो दर्जन से अधिक बच्चे हुए बीमार। सामुदायिक अस्पताल में कराया गया भर्ती, मचा अफरा तफरी। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत काशीपुर स्थित रामचंद्र रामेश्वर लाल सोनी मध्य विद्यालय में आज मध्याह्न भोजन खाने से दो दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बीमार बच्चों को आनन फानन में सामुदायिक अस्पताल मुरलीगंज में भर्ती कराया गया है, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एनजीओ के द्वारा आजकल विद्यालय में मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मध्याह्न भोजन का सेवन कर रहे बच्चों ने भोजन से बदबू आने और खट्टे स्वाद आने की शिकायत कर खाने से मना कर दिया। हालांकि तब तक कुछ बच्चों ने भोजन कर लिया था। विद्यालय में मौजूद शिक्षकों ने जब भोजन को चखा तो स्वाद काफी बिगड़ गया था और भोजन से बदबू भी आ रहा था। भोजन परोसने से जब तक रोका जाता तब तक कुछ बच्चों ने भोजन का सेवन कर लिया और उसके बाद बच्चों के द्वारा पेट में दर्द की शिकायत की गई। आनन फानन में पेट में दर्द की शिकायत करने वाले बच्चों को मुरलीगंज सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। थोड़ी देर के बाद करीब दो दर्जन से अधिक अन्य बच्चों ने भी पेट दर्द की शिकायत शुरू की। सभी बच्चों को बारी बारी से उनके परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये खाना जो है एनजीओ के माध्यम से आता है मधेपुरा से, ठीक है। एनजीओ के माध्यम से खाना यहां पहुंचाया जाता है। आज के दिन में मेनू के अनुसार भात दाल सब्जी था, इसमें दाल और सब्जी खट्टा है और बच्चा का कहना है खट्टा खाना है और हम लोग नहीं खाएंगे, और कुछ बच्चे जो खाए हैं उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। यह सोनी स्कूल का बात है। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम आलोक कुमार है। और बच्चे को जो पेट में दर्द होता है उसको दवाई दे दिए हैं? हाँ, उसको दवाई दे देंगे। इस घटना में खबर लिखे जाने तक 9 वर्षीय नरगिस खातून, 9 वर्षीय सुमित कुमार, 11 वर्षीय मन्नू कुमार, 9 वर्षीय सोनाक्षी कुमारी, 8 वर्षीय सुमित कुमार, 7 वर्षीय मनीषा कुमारी, 8 वर्षीय नंदनी कुमारी, 8 वर्षीय कृति कुमारी, 7 वर्षीय मीनाक्षी कुमारी सहित दो दर्जन से अधिक बच्चों को सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ मौके पर मौजूद चिकित्सकों के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर मौजूद चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग की समस्या बताई गई है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चों में पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि किसी भी बच्चे को अभी उल्टी नहीं आई है, सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इधर घटना की सूचना पाते ही विद्यालय पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुणानंद सिंह ने मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके से उन्होंने भोजन उपलब्ध कराने वाले एनजीओ को फोन लगाकर कड़ी फटकार लगाई। वहीं इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुणानंद सिंह ने कहा कि भोजन खराब होने की वजह से विषाक्त हो गया है, जिस वजह से बच्चे को फूड प्वाइजनिंग की समस्या देखने को मिल रही है। मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा पोषण योजना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चलाया गया है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह की खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्मेल है, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सवेरे बना है, इस वजह से स्मेल है। उसकी वजह से हो सकता है कि हाइजीन हो, तो हमने अभी फिलहाल बंद करवा दिया है इसको। बच्चे गए हैं स्वास्थ्य लाभ के, गए हैं तो फिर हम एनजीओ से बात करते हैं कि अगर इस टाइप का खाना देगा तो हम उसको बंद करेंगे। पहली प्राथमिकता है जिसके लिए प्रधानमंत्री पोषण योजना चालू किया है, बच्चे की स्वास्थ्य की प्राथमिकता पहले है, बाद में और कुछ है तो उसकी हम प्राथमिकता देंगे। उसको हमने देखा है, खुद से एनजीओ से बात करते हैं, उसको सख्त हिदायत देते हैं कि अगर खाना टाइम पर बने, क्योंकि गर्मी का मौसम है, दाल में थोड़ा स्मेल है, क्योंकि हो सकता है कि सवेरे बना हो और आने के क्रम में लेट हुआ हो, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का भोजन विद्यालय के लिए कहीं भी उपयुक्त है। धन्यवाद सर। इधर विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से दो दर्जन से अधिक बीमार हुए बच्चे की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। बच्चों के परिजन के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के लोग भी बच्चों को देखने अस्पताल में पहुंचने लगे और अस्पताल में भी भारी भरकम भीड़ उत्पन्न हो गई। हुआ? हमारा तीन दिन बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, खाना खट्टा खिलाता है, उसमें जब कुछ हो जाएगा बच्चा को, बच्चा कितना मेहनत से पोसता है, पालता है, उसको पढ़ाता है, इसलिए क्या करेगा सरकार, खाना खट्टा बना के भेजेगा। अच्छा, खाना कम खराब था?
खाना? बच्चे भी बीमार पड़े हैं। एम्बुलेंस से ले गया। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देव।